हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं पंकज कुमार। पंकज इंग्लिश स्किल टेस्ट सीजन 2 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग केवल रिजल्ट देखने वाले हैं कॉम्पिटेटिव लेवल का। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस वीडियो में केवल कॉम्पिटेटिव लेवल का ही रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है। और एक बताओ, इस वीडियो में केवल और केवल टॉप 20 स्टूडेंट्स का ही रिजल्ट बताया जाएगा। जिनका भी रैंक 1 से लेकर 20 तक है, उन्हीं का मैं इसमें नाम अनाउंस करूंगा। जिनका भी रैंक 20 से ज्यादा है, उनको रिजल्ट कैसे देखना है तो मैं बता रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया होगा, लिखा होगा हेडिंग में चेक योर रिजल्ट। चेक योर रिजल्ट के नीचे आपको एक लिंक दिया होगा, ब्लू कलर का है। उस पर आप जैसे ही टैप करोगे, आपका एक इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर कहाँ से आप लीजिएगा, तो जो आपको एडमिट कार्ड मिला था उसमें कॉर्नर में ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ था, सीरियल नंबर ही आपका रोल नंबर है। उसको डालकर जैसे ही आप उसे ओपन कीजिएगा, तो आपका नेम, फादर्स नेम, रैंक, मार्क्स, सब कुछ उसमें मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी पीडीएफ के रूप में आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आप चीजों को समझ गए हैं। तो चलते हैं बिना देर किए, उस बच्चों को मैं बताता हूँ जो टॉप 20 में सेलेक्ट हुए हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में। ठीक है, एक बात याद रहे, जो भी भाई देख रहे हैं और वो अगर सीजीएल का सीएचएसएल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पंकज इंग्लिश में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे यहाँ साल भर, ठीक है, पूरे ईयर एसएससी का प्रैक्टिस करवाया जाता है। उसका टाइमिंग फिक्स किया हुआ है 4 से 7। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 4 से 7। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, वो पूरे साल आपका एसएससी का प्रैक्टिस करवाया जाता है 4 से 7। देखिएगा रैंक 20, हाँ रैंक 20 हासिल किए हैं कौन, सुशील कुमार। कौन भाई? सुशील कुमार रैंक 20 हासिल किए हैं। देखिएगा यही मेरे भाई कौन है, सुशील जी। ठीक है, सुशील जी का फोटो कितना अच्छा दिख रहा है। इनके पिताजी का नाम है क्या, किरंजन प्रसाद। क्या? किरंजन प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, बहेरा इमामगंज के रहने वाले हैं। ठीक है, तो सुशील भाई आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप रैंक 20 हासिल किए हैं। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, बहुत जल्दी आप अपने मुकाम तक पहुंच जाइएगा। वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। एक है मुकेश कुमार, ए रैंक 19 हासिल किए हैं मुकेश कुमार। ठीक है, मुकेश जी के पिताजी का नाम हुआ साहेब लाल यादव, ए असिया, असिया लिखा हुआ है, रफीगंज के रहने वाले हैं। देखिएगा इनका भी फोटो आपको दिख रहा होगा, ए है मुकेश जी। ठीक है, मुकेश जी कॉम्पिटेटिव लेवल में रैंक 19 लाए हैं। कितना रैंक 19, लगभग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इसमें इनका रैंक 19 है, लाजवाब इनका स्कोर रहा है। नो डाउट बहुत जल्दी आप अपने मुकाम पर पहुंच जाइएगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रैंक 18 हासिल किए हैं कौन, हिमांशु कुमार। इनके पिताजी का नाम है अखिलेंद्र कुमार, और ये ध्यान दीजिएगा फदरपुरा रफीगंज के रहने वाले हैं। इनका फोटो यहाँ पे मिसिंग है। तो हिमांशु जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। देखो रैंक 17 हासिल किए हैं, लाए हैं नीरज जी। इनके पिताजी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, देवंश प्रसाद। ये ध्यान दीजिएगा फुदकी बीघा मदनपुर के रहने वाले हैं। फुदकी बीघा जो भी लिखते हैं, मदनपुर के रहने वाले हैं। इनका भी फोटो मिसिंग है। ए रैंक 17 हासिल किए हैं, ध्यान दीजिएगा। इनका नाम नीरज कुमार है। तो नीरज जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। और रैंक 16 पर है कौन, रजनीश कुमार। इनके पिताजी का नाम है राजेश कुमार। क्या? राजेश कुमार ये शंकरपुर के रहने वाले हैं, जो कि बाके बाजार गया में है। देखिएगा ये भाई का फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे होंगे तो अपने दोस्त को, अपने भाई को जरूर पहचान रहे होंगे। ठीक है, तो रजनीश जी आपको भी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई। इसी प्रकार से मेहनत जारी रखिए, बहुत जल्दी आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। बहुत जल्दी आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगा। आगे चलते हैं रैंक 15, उनसे भी बेहतर परफॉर्मेंस है विवेक भाई का। इनके पिताजी का नाम राम विजय वर्मा है, और ये ध्यान दीजिएगा भदवा बाजार के हैं। कहाँ? भदवा बाजार के हैं। इनका भी फोटो मिसिंग है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इन्होंने फोटो नहीं दिया, लेकिन आपका सर्टिफिकेट में आपका फोटो जरूर रहेगा। तो विवेक कुमार जी का रैंक 15 है, आपको भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। रैंक 14 पर है रोशन राजा। अभी ये टारगेट बैच में आ रहे हैं, पंकज इंग्लिश के टारगेट बैच में आप ये आ रहे हैं, रोशन राजा। राजेंद्र यादव मंझौली वजीरगंज के रहने वाले हैं, ए रोशन राजा। एक बात ध्यान रहे कि इस स्किल टेस्ट में पंकज इंग्लिश के टारगेट बैच के बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, बहुत कम बच्चे। जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे थे उनको मैं एग्जाम कंट्रोल करने के लिए बोला था, या
इन्विजिलेटर के रूप में उनको काम सौंपा था, तो इसलिए पंकज इंग्लिश के टारगेट बैच से बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे थे टारगेट बैच में, टॉपर बच्चे थे, उनको मैं पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था। थोड़ा सा ये भी होता है कि मैं स्किल टेस्ट करवा रहा हूँ, मेरे बच्चे ही टॉप कर जाते तो सबको लगता कि कहीं ना कहीं कुछ फेवर मिला है पंकज इंग्लिश के बच्चों को, इसलिए मेरे बच्चे बहुत कम पार्टिसिपेट किए थे टारगेट बैच का। लेकिन उसमें से ही रोशन राजा जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, इनको एग्जाम कंट्रोल करने का जो दायित्व था नहीं दिया गया था, तो ये रोशन राजा हैं। रोशन राजा, राजेंद्र यादव, मंझौली के रहने वाले हैं, बजीरगंज। इनका भी लेवल वाकई में लाजवाब है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इसी प्रकार से मुझे फॉलो करते रहिए और अपना मेहनत जारी रखिए। आपका माता पिता का आशीर्वाद और आपका मेहनत आपके साथ है, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा भाई, और आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी होगा। तो रोशन राजा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। रैंक 13, रैंक 13 पर है कौन? रोहित कुमार। इनके पिताजी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मदेव प्रसाद, और ये जमुआरा कला के हैं। ये जमुआरा कला के हैं, बांके बाजार। ठीक है, बांके बाजार के हैं रोहित कुमार, ब्रह्मदेव प्रसाद। तो रोहित जी, आपको भी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से मेहनत जारी रखिए, आपके पास भी बहुत जल्दी एक सरकारी नौकरी होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा, आप भी बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। इसी प्रकार से मेहनत जारी रखिए, बहुत बहुत बधाई भाई। संदीप कुमार रैंक 12 है, इनका रैंक 12 है संदीप कुमार, ध्यान दीजिएगा। भरत कुमार इनके पिताजी का नाम है, ये भी गया के रहने वाले हैं। तो संदीप जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई। अनिल कुमार, इनका भी फोटो मिसिंग है, ये भी फोटो नहीं दिए हैं, इनका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फोटो नहीं था। ये रैंक 11 हासिल किए हैं, इनके पिताजी का नाम है सुरेंद्र यादव, और ये शिवपुर के रहने वाले हैं। शिवपुर कहाँ है? गुरारू गया, गुरारू गया में शिवपुर है। इनका नाम है अनिल कुमार, ये रैंक 11 लाए हैं भाई, आपको भी बधाई कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई। राजा सौरभ, हाँ राजा सौरभ, राजा सौरभ ये ध्यान दीजिएगा जलालपुर का रहने वाला है, ये जलालपुर का रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। रोशन राजा का जो, अच्छा अच्छा हाँ, रोशन राजा जो है जलालपुर का रहने वाला है, नानी घर के यहाँ जलालपुर रहता है, मेरे घर का है। और इसका जो गांव है, इसका जो ध्यान दीजिएगा, ये गांव है जिस गांव का रहने वाला है, करी गांव लिखा हुआ है, टनकुप्पा में रहता है। ठीक है, टनकुप्पा में। लेकिन इसका बचपन और इसका पूरा लाइफ समझ रहे हैं कि मतलब ये अपना स्पेंड करता है कहाँ, जलालपुर, अपने नानी घर के यहाँ। और ये बहुत अच्छा है पढ़ने में और बहुत मेहनती हैं। ठीक है, एक एक बात मेरा मानते हैं, और बहुत जल्दी इनके पास एक सरकारी नौकरी होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा। तो राजा सौरभ, ठीक है, ऐसे राज सौरभ सब लोग लिखते हैं, लेकिन इन्होंने अपना डिटेल दिया, फिल किया है, नेम लिखा है राजा सौरभ। तो राजा सौरभ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई भाई। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है संदिल सिंह, रैंक 10, बहुत बहुत बधाई भाई। मनीष कुमार बलिराम दास, इनका एड्रेस क्या है? धोली बाके बाजार, इनका जो एड्रेस है धोली, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, धोली बाके बाजार। इनका भी फोटो मिसिंग है भाई, इनका भी फोटो मिसिंग है। तो मनीष जी, ठीक है, धोली बाके बाजार, और पिताजी का नाम बलिराम दास, आपको भी बहुत बहुत बधाई भाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे जहां तक याद है कि आप बहुत दूर से एग्जाम देने के लिए, बांके बाजार से एग्जाम देने के लिए गया आए थे, और आपने कई बार मुझे कॉल भी करा था, तो आपका ये डेडिकेशन से मुझे, आपका ये डेडिकेशन मुझे बहुत प्रभावित किया है भाई। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपसे। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, बहुत जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच जाइएगा भाई। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई भाई। इसी प्रकार से अपना मेहनत जारी रखिए, आपका मेहनत, आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ है, आप बहुत जल्दी मुकाम तक पहुंच जाएंगे, बस अपने आप पे भरोसा रखना। रैंक 8 हासिल किए हैं टाइगर कुमार, रैंक 8 हासिल किए हैं टाइगर कुमार। नंदलाल यादव इनके पिताजी का नाम है कर्मा, क्या कर्मा के भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस बार स्किल टेस्ट में। ये कहाँ है? गुरारू गया, क्या गुरारू गया, रैंक 8। टाइगर जी, जैसा नाम है वैसा ही आपका परफॉर्मेंस है भाई, तो इसी प्रकार से परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखिएगा, मेहनत जारी रखिएगा। ठीक है, जैसा नाम है वैसा आपका परफॉर्मेंस है, मैं बहुत खुश हूं आपके नाम से और आपके परफॉर्मेंस से, बधाई भाई, कांग्रेचुलेशंस, रैंक 8। एक है बबलू जी, हाँ ये बबलू जी हैं, इनके पिताजी का नाम है अवधेश सिंह यादव, इनके पिताजी का नाम है अवधेश सिंह यादव, पलाकी सुल्तानी ये जगह का नाम है, और ये गुरारू में पड़ता है गया। ए है आपके बबलू जी, और इनका रैंक 7 है। तो बबलू जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
रैंक सिक्स पर हैं राहुल कुमार राम रतन प्रसाद। क्या राम रतन प्रसाद ये बलिया के रहने वाले हैं। बलिया सुनने से ही थोड़ा सा रोमांचित लगता है। तो बलिया एक गुरारू के रहने वाले हैं। ए भाई का नाम देखिएगा, कॉन्फिडेंस देखिएगा, फोटो देखिएगा कितना मस्त है। ये राहुल जी हैं, तो राहुल जी आपको बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, इसी प्रकार से अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखिए, मेहनत जारी रखिए, बहुत जल्दी अपने मुकाम तक आप पहुंच जाएंगे। रैंक फाइव पर है नीरज कुमार जगदीश शर्मा। ये भी कर्मा के हैं, कर्मा देव में पड़ता है। इनका भी फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कितना मस्त है, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहे हैं भाई। ठीक है, नीरज कुमार, तो नीरज जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे रैंक फोर पर है संदीप कुमार सुबोध कुमार, सिमवारा के रहने वाले हैं। ए भाई कहाँ के हैं? सिमवारा के रहने वाले हैं, टेकारी गया के रहने वाले हैं, और इनका नाम क्या है? संदीप कुमार। ए रैंक फोर लाए हैं, तो संदीप जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। आगे अब इनके लिए ताली बजना चाहिए, जो भी कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे या जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो ताली इनके लिए जरूर बजा दीजिएगा। इनका है रैंक 3, वाकई में इनका परफॉर्मेंस बहुत गजब का है। गौतम कुमार ए हैं चंद्रशेखर प्रजापति, इनके पिताजी का नाम है, ये ध्यान दीजिएगा, पहाड़पुरा लिखा हुआ है, पहाड़पुरा जो भी लिखा हुआ है, जो भी ये पढ़ते हैं। ये हंटरगंज से हैं, कहाँ? चतरा से हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत आज्ञाकारी स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। ये गौतम जी हैं, तो गौतम जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। इसी प्रकार से मेहनत कंटिन्यू रखिए, बहुत जल्दी आप सक्सेस प्राप्त कर लीजिएगा। रैंक थ्री जितने भी भाई सिलेक्ट हुए हैं टॉप 20 में, उनको जलालपुर मथुरापुर में जरूर जाना है 21 ऑफ जनवरी को, 21 जनवरी को, वहीं पे आपको पुरस्कार वितरण समारोह होना है। वहीं पे आपको पुरस्कार मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, मेडल शील्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से इन फ्यूचर आप पंकज इंग्लिश में फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ए है रैंक 2, ए है रंजू कुमारी। इनके पिताजी का नाम है किशोरी प्रसाद, ठीक है। ये भी बहुत ओबीडियंट हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं और बहुत मेहनती हैं, बहुत पढ़ती हैं, क्वेश्चन सवाल जवाब बहुत करती हैं, और जिस कारण से इनका परफॉर्मेंस बहुत सुधर चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है, और आई होप कि बहुत जल्दी इनका सरकारी नौकरी लग जाएगा। एक किशोरी प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, ये सलैया की रहने वाली हैं, ठीक है। ये इमामगंज के हैं। रंजू का फोटो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, ये रंजू जी हैं, ठीक है, रंजू जी ये मेरी स्टूडेंट है, ये एक क्लास कर चुके हैं मेरे पास, ठीक है। चलिए, तो रंजू जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस रैंक 2 हासिल करने के लिए। इनके लिए भी आप एक जोरदार क्लैपिंग जरूर कर दीजिएगा भाई, जितने भी ये लोग इनको जानते हैं। और रैंक 1 हासिल किए हैं प्रभात कुमार वर्मा। इनके पिताजी का नाम है देव कुमार प्रसाद, रोशनगंज बाके बाजार के रहने वाले हैं। देखिएगा भाई का फोटो कितना क्यूट है, कितना देखने में शांत लग रहा है, लेकिन जो देखने में शांत लगता है ना, मतलब वो बहुत गजब प्रकार का इंसान होता है भाई, उसमें क्षमता बहुत खतरनाक तरीके का होता है। ये रैंक 1 हासिल किए हैं प्रभात कुमार वर्मा जी, आपके लिए मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ, वाकई में आपका लाजवाब परफॉर्मेंस है। इसी प्रकार से अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखिए, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, मेहनत जारी रखिए। यकीन मानिए अब बहुत जल्दी बहुत अच्छा मुकाम पे पहुंच जाइएगा, आपके पास एक बहुत बड़ा जॉब होगा, ठीक है। तो जो भी भाई कॉम्पिटेटिव लेवल में पार्टिसिपेट किए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर थोड़ा सा आपके अनुसार रैंक नहीं आया है, मार्क्स नहीं आया है, तो हताश निराश उदास नहीं होना है, मेहनत को जारी रखना है और इस स्किल टेस्ट से सीखना है कि कहाँ पे मैंने लैग करा, कहाँ पे कमी हुआ हमसे, कैलकुलेशन मेरा कमजोर था, जीएस में मेरा कम परफॉर्मेंस हुआ, इंग्लिश में हमने कम परफॉर्म करा, मैथ में मैंने कम परफॉर्म करा, उसे सीखिए। प्रीवियस बुक उठाइए, किरण उठाइए, पिनेकल उठाइए, जो भी किताब उठाते हैं, और उसे प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, यकीन मानिए कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर अच्छा करेंगे और बहुत जल्दी आपके पास सरकारी नौकरी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, स्किल टेस्ट एक बस ये दिखाता है, ये आपको फील करवाने के लिए मैं करवाता हूं कि आपका प्रिपरेशन ट्रैक पर है कि नहीं है। अगर ट्रैक पर है तो जारी रखिए, अगर ट्रैक पर नहीं है तो इंप्रूव कीजिए खुद को, और एनालिसिस कीजिए कहां पे कमी हो रहा है, और उस कमी को दूर करके अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आई होप कि स्किल टेस्ट बहुत आपके लिए यूजफुल रहा है, बहुत हेल्पफुल रहा है आपके लिए। इस प्रकार का स्किल टेस्ट की आप कामना प्रत्येक वर्ष करते हैं, तो सब लोग स्किल टेस्ट में अच्छा से मुझे सहयोग किए हैं, कोऑपरेट किए हैं,
आई होप कि अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी अब किसी से कम नहीं है, अब इक्वालिटी रहेगा और सभी जगह के बच्चे मेहनत करेंगे, घर घर में सरकारी नौकरी होगा। और जो पंकज इंग्लिश का एक ड्रीम है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे का बेसिक ठीक नहीं होता है या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कंपटीशन के माहौल में नहीं आ पाते हैं, अब वो इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगले बार भी होगा, जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। और जितने भी भाई हैं सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, 21 जनवरी को जलालपुर मथुरापुर में आपको जरूर आना है। इस वीडियो में यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं 21 जनवरी को। जय हिंद।